इस तरीके से है, ये आपकी डिजिट आपको मिलेंगी। इन डिजिट की हमें आवश्यकता है। बीच में मैं डिमोटिवेट हो गई थी और चैनल को 3 महीने बंद कर दिया था। एग कैसे लगाए या फिर डिस्क्रिप्शन कैसे भरे सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ गाइस। 2 वीडियो वायरल हुई। मैं आपको बताऊंगी जब पेमेंट आएगा मेरा फर्स्ट। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे आप सब। तो मैं भी ठीक हूँ गाइस। सुबह सुबह मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही थी, तो गार्ड ने मेरे को बोला कि आपका कोई एडसेंस पिन करके कोई डॉक्यूमेंट्स आया है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। ये आप देख सकते हो, ऊपर से कुछ ऐसे है और अंदर से ये कुछ इस तरीके से है। ये आपकी डिजिट आपको मिलेंगी। इन डिजिट की हमें आवश्यकता है। मेरे इस चैनल को ओपन किए मुझे 1.5 साल हो गया है गाइस, लेकिन बीच में मैं डिमोटिवेट हो गई थी और मैंने जो है चैनल को 3 महीने बंद कर दिया था। 3 महीने मैंने वीडियो नहीं बनाई। फर्स्ट में मेरी 4-5 वीडियो वायरल हुई और बहुत अच्छी चली वीडियो, लेकिन बाद में मेरी कोई भी वीडियो नहीं चली 1 साल तक। तो फर्स्ट में जब वीडियो चली तो उन्हीं में मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था और जो है कंप्लीट सब्सक्राइबर वॉच टाइम वगैरह सारा कंप्लीट हो गया था, लेकिन बाद में मेरी कोई भी वीडियो नहीं चली। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर करके देखा चैनल के ऊपर, अलग अलग वीडियो डाल डाल करके देखी, लेकिन नहीं चली। गाइज, मैं बाहर की सिलाई भी करती हूँ, अब भी करती हूँ, तब भी करती थी जब से चैनल स्टार्ट किया है। तो मेरे ऊपर जो है 2 तरह की सिचुएशन आ गई थी, या तो मैं चैनल पे काम करूं या फिर मैं सिलाई करूं। तो मैंने क्या किया, फिर 3 महीने जो है डीमोटिवेट हो गई कि चैनल नहीं चल रहा है, तो मैंने वीडियो बनाना बिल्कुल बंद कर दिया था। और मैंने सोचा कि फालतू में टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है, ये सब चीज़ें मेरे बस की बात नहीं है, ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं है। ऐसा मेरे साथ हुआ था, किसी ने मुझे मोटिवेट नहीं किया, आस पड़ोस रिश्तेदारों ने किसी ने नहीं किया, सबने यही बोला ये फालतू की चीजें हैं, इसमें आप अपना टाइम खराब ना करें। लेकिन गाइस, मैं आपको बताऊं, मेरे 10,000+ सब्सक्राइबर हो गए थे, तो मैंने काम सीखा, मैंने इसको चला यूट्यूब पर वीडियो डालना सीखा, ये सारी मेहनत मैंने की। रात को 12-12 एक एक 2-2 बजे तक लगी रहती थी, तो वो चीजें जो है मेरे को बैठने नहीं दे रही थी। लेकिन गाइस, 3 महीने वीडियो बंद की तो हर रोज मेरे को ऐसे लगता था कि क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने सही किया, मुझे क्या करना चाहिए। जब मैं रिश्तेदारों से या फिर आस पड़ोस से पूछती थी तो सभी बोलते थे फालतू का टाइम खराब करना, इन सब में कुछ नहीं है, आप तो जो कर रहे हो वो सही है। तो फिर से लग गई अपनी सिलाई के काम पर और वीडियो बनाना बंद कर दिया। लेकिन गाइस, जब आप काम सीख लेते हो ना, यूट्यूब चैनल पर कोई आ जाता है, एक बार आ जाता है यूट्यूब चैनल पर, जब उसके 10,000+ सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से ये लगता है कि नहीं, मुझे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मेरी 4-5 वीडियो जो है वायरल भी हुई थी पहले। तो एक्सपेरिमेंट किया बहुत सारा, डिमोटिवेट हुई, 3 महीने चैनल बंद रहा, उसके बाद फिर से जो है मैंने वीडियो बनाना शुरू किया और लगी रही। काफी दिन निकल गए, महीने निकल गए, लेकिन कोई वीडियो वायरल नहीं हुई गाइस। और बहुत सारा, जैसे कि बहुत सारी वीडियो देखी कि टैग कैसे लगाए या फिर डिस्क्रिप्शन कैसे भरे, सारी चीजें की, थंबनेल वगैरह के बारे में सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ गाइस। टेल टाइटल वगैरह जो है ये सारी चीजें मायने रखती हैं, लेकिन इतनी भी मायने नहीं रखती हैं जितनी हम इन सब के पीछे पड़े रहते हैं। हम सोचते हैं सिर्फ इन्हीं की वजह से वीडियो वायरल होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइज। इतना 100% नहीं है कि आपका टैग, डिस्क्रिप्शन, टाइटल वगैरह ही मायने रखता है। तो अभी मेरी जो है 2 वीडियो वायरल हुई और 3-4 दिन में वो वीडियो 2 लाख को क्रॉस कर गई, और सेकेंड वीडियो भी ऐसे ही हुआ। तो गाइस, जब ये वीडियो वायरल हुई तो उसमें मैंने कोई अलग से टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग वगैरह नहीं लगाए थे, वही थे जो पहले लगाती थी। मुझे भी नहीं पता था कि जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये वीडियो इतने ज़्यादा व्यू इनमें आएंगे, और हमको नहीं पता होता है, लेकिन पता नहीं होता है कौन सी वीडियो कब वायरल हो जाए गाइस। ऐसा ही मेरे साथ हुआ है, और उसके बाद जो है सारी वीडियो में अच्छे व्यू आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ वीडियो में कम है, लेकिन काफी अच्छी चल रही है अभी सारी वीडियो। तो आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए, आप सबने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया है मुझे। अगर डिमोटिवेट हो चुके हो आप, तो फिर से खड़े होइए और फिर से लग जाइए, आपका भी जो है इस तरीके से जो है ये सारी चीजें आपको भी मिलेंगी। और मेरा फर्स्ट पेमेंट के बारे में मैं बता देती हूँ, फर्स्ट पेमेंट मेरा अभी आ जाएगा दिसंबर में, और जितने डॉलर मुझे चाहिए उससे 3x हो चुके हैं मेरे डॉलर। तो थैंक यू सो मच आप सबको इस सारी बातों के लिए जो आपने इतना सपोर्ट किया है। और गाइज, मैं आपको बताऊंगी जब पेमेंट आएगा, मेरा फर्स्ट पेमेंट आएगा, तब मैं आपको बहुत सारी चीजें और हैं, बहुत सारी बातें और हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी।
तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप मुझे स्ट्रीचिंग के चैनल पर देख रहे हो तो मेरा एक चैनल और है, ब्लॉग चैनल अंजू ऑफिशियल करके, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो उस चैनल पर भी, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लेना, उस पर भी मैं बहुत सारी टिप्स डालती रहती हूँ अलग अलग, जो इस चैनल पर नहीं डालती हूँ। और अगर आप मुझे ब्लॉग चैनल पर देख रहे हो तो आप स्टिचिंग के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और फ्रेंड्स, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो फॉलो जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।